लखनऊ और मुंबई के बीच दूरी भले ही है, पर इनका मैच बहुत क्लोज होने वाला है। मुंबई लगता है अपने ही समंदर में डूब गई है। हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम फैंटेसी टीम एनालिसिस करने वाले हैं मैच नंबर 37 लखनऊ वर्सेस मुंबई का, जो कि शाम 7:30 बजे से वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में खेला जाएगा। इसमें हम प्लेयर्स के फैंटेसी पॉइंट्स, ग्रैंड लीग में सेफ और रिस्क पिक्स के साथ साथ कैप्टन एंड वाइस कैप्टन के ऑप्शंस पर भी एनालिसिस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। पिच रिपोर्ट। पिच बैटिंग फ्रेंडली है और पेसर्स को फायदा ज्यादा मिल सकता है। लास्ट मैच राजस्थान और दिल्ली का हुआ था, जो कि काफी हाई स्कोरिंग गेम था। अब आता है सबसे ज्यादा फैंटेसी पॉइंट्स खींचने वाले सुरमा। अब हम क्या कर रहे हैं कि लास्ट 5 मैचेस के हिसाब से हम देखने वाले हैं। सबसे पहले लखनऊ के लिए केएल राहुल 344 पॉइंट्स के साथ सबसे टॉप पे हैं 5 मैचेस में। फिर आते हैं होल्डर 294 पॉइंट्स, फिर डीकॉक 256 पॉइंट्स, फिर आवेश खान 249 पॉइंट्स, फिर कृणाल पांड्या 221 पॉइंट्स। मुंबई की बात करते हैं तो सूर्य कुमार यादव टॉप पे हैं 355 पॉइंट्स, फिर उनदकत 252 पॉइंट्स, ब्रेविस 243 पॉइंट्स, तिलक वर्मा 240 पॉइंट्स और डेनियल सैम्स 157 पॉइंट्स, 2 मैचेस खेले उन्होंने। अब आता है टॉप रैंक्ड फैंटेसी टीम्स में दिग्गज खिलाड़ी। ये भी हम लास्ट 5 मैचेस के हिसाब से देख रहे हैं। सबसे पहले लखनऊ के लिए केएल राहुल 4 टाइम्स फीचर हुए हैं, होल्डर 3 टाइम्स, स्टोइनिस 3 टाइम्स, डीकॉक 3 टाइम्स और आवेश खान 3 टाइम्स। वहीं जब मुंबई की बात करते हैं तो सूर्य कुमार यादव 5 टाइम्स फीचर हुए हैं, फिर उनदकत 4 टाइम्स, ब्रेविस 4 टाइम्स, तिलक वर्मा 4 टाइम्स, डेनियल सैम्स 2 टाइम्स। अब ग्रैंड लीग के लिए यहाँ पर हम 2 कैटेगरीज ले रहे हैं। एक में होंगे मैच के सेफ पिक्स और दूसरे में होंगे रिस्की पिक्स। सेफ पिक्स में मुझे लगता है सूर्य कुमार यादव एज यूजुअल बहुत अच्छी फॉर्म में हैं, बहुत अच्छी रिदम में भी हैं। आपने देखा ही है कि सबसे ज़्यादा फैंटेसी पॉइंट्स में भी वो आए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वो फीचर भी हो रहे हैं फैंटेसी टीम्स में, तो सूर्य कुमार यादव। एक हैं केएल राहुल, अभी अभी शतक भी मारा था और कंसिस्टेंटली, मतलब कहते हैं ना कि 30-40 रन भी बनाते हैं, अच्छे स्ट्राइक रेट से बना रहे हैं, तो मुझे लगता है सेफ पिक में ज़रूर होने चाहिए। और दूसरी ये चीज़ है कि ये जो पिच है वो काफ़ी अच्छी है, हाई स्कोरिंग रन्स बन रहे हैं, यहाँ पे हाई स्कोरिंग गेम जो है लगभग सारे जा रहे हैं, तो उस हिसाब से केएल राहुल जो है बहुत अच्छी बैटिंग कर सकते हैं। फिर हैं मेरे एक जो पिक हैं सेफ पिक्स, वो हैं जेसन होल्डर। कंसिस्टेंटली मुझे लगता है कि एक दो विकेट से ले भी जाते हैं, और अगर बैटिंग में इनके पास मौका मिला तो वहाँ पर भी ये कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और चौथे हैं तिलक वर्मा, जिस तरीके की वो रिदम में है, फॉर्म में है, और वो जो काम कर रहे हैं वो कैरन पोलार्ड वाला काम कर रहे हैं, कि जो मिडल ऑर्डर है वो उन्होंने संभाल के रखा हुआ है, तो मेरे वो सेफ पिक्स हैं। रिस्की पिक्स में मुझे लगता है एक रवि बिश्नोई, शुरुआत ठीक ठाक हुई थी लेकिन इसके बाद से इतने ज़्यादा विकेट्स नहीं मिले और थोड़े से एक्सपेंसिव भी वो इस सीज़न जो है वो जा रहे हैं, तो वो मेरे एक रिस्की पिक हैं। दूसरे हैं आयुष बदोनी। आयुष बदोनी का नाम मैं इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि अभी अभी वापस वही 3-4 इनिंग्स में उनको एक आध बार तो बैटिंग भी नहीं आई, उनको थोड़ा सा लोअर डाउन में भी उतार दिया गया। और दूसरी चीज़ ये चीज़ कि जितनी उनको बैटिंग मिल रही है अभी, वो इतना, मतलब कहते हैं ना कि जो फॉर्म, जो रिदम थी शुरुआत में, वो रिदम थोड़ी सी टूट रही है। और लास्ट पिक है मेरे रोहित शर्मा। जिस तरीके की ये पूरा सीज़न उनका जा रहा है, कैप्टेंसी के तौर पर भी देखें और वैसे एक एज अ बैट्समैन भी देखें, तो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। अब सेफ, रिस्क, ये सब बातें तो हो गई, अब थोड़ी पैसा कमाने वाली बात भी कर लेते हैं। आई गेम लाया है एक्सक्लूसिव ग्रैंड लीग वीकेंड लीडर बोर्ड केवल इस वीकेंड के लिए। यहाँ पर आप 8,000 तक का रियल कैश जीत सकते हो। बस ग्रैंड लीग कॉन्टेस्ट में खेलो, पॉइंट्स कमाओ और इस वीकेंड लीडर बोर्ड में ऊपर चढ़ो। ज्यादा से ज्यादा टीम्स बना के ज्वाइन करो, मोर टीम्स मोर पॉइंट्स। साथ ही इस वीकेंड लीडर बोर्ड के पॉइंट्स आपके मेन ग्रैंड लीग लीडर बोर्ड में भी ऐड होंगे। सो एक तीर से दो निशान। डाउनलोड आईगेमियो फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन। अब आते हैं ग्रैंड लीग कैप्टन एंड वाइस कैप्टन ऑप्शंस। कैप्टन ऑप्शंस में मुझे लगता है कि डीकॉक और कृणाल पांड्या अच्छे ऑप्शंस हैं। डीकॉक अभी अभी थोड़ा शांत बैठे हैं, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि वानखेड़े की पिच है, ये यहाँ पर बहुत सी बार खेल चुके हैं और ये ओपनिंग ही करते हैं, जब साउथ अफ्रीका से खेलते हैं तब भी ओपन करते हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर ये अच्छे से खेलेंगे। और अभी 2-3 इनिंग्स में वो थोड़ा सा शांत बैठे थे, लेकिन अब एक बड़ी पारी आ सकती है। कृणाल पांड्या, इनकी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि इनको सेकंड विकेट या थर्ड विकेट के आसपास ही जो है उतार दिया जाता है, मतलब चौथे पांचवें नंबर पे ही इनको उतार दिया जाता है, तो ये इनके पास पूरा बैटिंग का भी मौका मिलता है इनको, प्लस बॉलिंग में भी वो कई बार 4 ओवर्स इनको पूरे मिल जाते हैं, तो बैटिंग और बॉलिंग दोनों से ये कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। फिर है वाइस कैप्टन ऑप्शंस, सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह, ये मेरे वाइस कैप्टन ऑप्शंस रहेंगे। सूर्य कुमार यादव का
कुछ कहने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छी रिदम में है, बहुत अच्छी फॉर्म में है। मुझे लगता है कि इस मैच में वापस एक अर्धशतक आ सकता है। और दूसरे जसप्रीत बुमराह, ये मेरे थोड़े रिस्की वाइस कैप्टन ऑप्शन है। अब तक इतना बहुत जो इनका नाम है वैसा नहीं दिखे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये उनका वही होम ग्राउंड है मुंबई का, तो यहाँ पर ये कुछ ना कुछ करिश्मा कर सकते हैं। तो ये थी आज के मैच की फैंटेसी टीम एनालिसिस। मिलते हैं कल एक और एनालिसिस के साथ, मैच नंबर 38 पंजाब वर्सेस चेन्नई में। आपको ये वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट करें और शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कीप वॉचिंग इंडिया फैंटेसी।